नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी डी ब्लॉक के थाने के ठीक सामने और मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 तारीख दिन मंगलवार को एक मामला सामने आया था जिसमें दो युवक के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिसमें एक युवक जिसका नाम अमरदीप था उनकी जो एक मृत्यु हो गई और एक जो दूसरा युवक सागर था वो अस्पताल में भर्ती हुआ। इसको लेकर के आज पांचवा दिन है लेकिन परिवार वाले जो लोग हैं बेहद नाखुश हैं कि इस तरीके जो अपराध आए दिन मंगोलपुरी से आते हैं, लोगों की नींदें उड़ी पड़ी हैं क्योंकि मंगोलपुरी जो क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ क्राइम से भरा पड़ा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, भारी संख्या में यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमरदीप जो कि हमारे बीच नहीं है, उनके बड़े भाई हमारे साथ है। अभी ये थाने के अंदर गए थे और इनको पुलिस द्वारा क्या बोला गया सीधा जानते हैं इन्हीं की जुबानी। क्या बोलना चाहते हैं प्रिंस, जो अभी आप अंदर थाने में गए थे, क्या बोला गया पुलिस द्वारा? हमें ये पता लगा था कि जो एक आरोपी था रोहित, तो वो उसको तो है ले रखा है लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो अभी तक फरार है। हमें पहले तो यह आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे में हम अरेस्ट कर लेंगे, बट अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया था। हम तो धीरे धीरे अपनी होप खो बैठे थे और खो रहे थे। फिर उसके बाद जो है हमें ये भी पता लगा था कि उसके जो माँ बाप को अरेस्ट कर रखा था ये सोच के कि उसका बेटा आएगा, जो मुख्य आरोपी मुकेश है वो आएगा, लेकिन फिर उसको छोड़ा गया। तो अब हमें एक और पूरी तरह से हमने उम्मीद खो दी थी कि अब हमारे केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हम अपने मम्मी पापा के साथ जो है हम लोग आए थे यहाँ पर कि क्या क्यूरीज हो रही है इस चीज़ का पता लगाने के लिए। फिर हमने उनसे एक परमिशन मांगी है कि हमें कैंडल मार्च मोर्चा निकालना है, तो उसने परमिशन जो है कंडीशन में दी है और हमने उस जो है उस परमिशन को लिया है। और उन्होंने कहा था कि अभी कैंडल मार्च ना ही निकालो, भीड़ ना करो तो अच्छा है। और उन्होंने कहा है कि हमें 3 दिन का समय चाहिए, 3 दिन में हम जो आपको पूरी तरह से रिजल्ट डेफिनेटली 100% अंदर। SHO से मुलाकात हुई? SHO साहब से मुलाकात नहीं हुई हमारी, शायद वो RTO है उनसे मुलाकात हुई है। SHO साहब के बारे में बताया जा रहा है कि केस को जो है हैंडल करने के लिए उसके जो आरोपी है मुकेश रौनक उसके गाँव की तरफ गए हुए हैं, उसके रिश्तेदार के उसे पता लगाने के लिए गए हुए हैं। और हमें ये दिलासा दिया गया है, हमें ये भरोसा दिलाया गया है कि हम आप 3 दिन बाद आके पता करना, 3 दिन में हम अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा किया कहा गया है हम लोगों को। फिर उसके बाद हमें कैंडल मोर्चा निकालने का आदेश दिया गया है जिसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी पुलिस वालों की प्रशासन की होगी, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप कैंडल मार्च कहाँ से लेकर कहाँ तक करवाएंगे? हम कैंडल मार्च जो हमारा पूरा एरिया है जहाँ से मर्डर हुआ था, जो हमारा पूरा थाने का एरिया पड़ता है, उस हम अपने घर के ब्लॉक से लेकर पूरे ब्लॉक में घूमेंगे और हम आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे हमारे विधायक हो चाहे हमारे MLO कार्यकर्ता हो, हर किसी के दरवाजे की तरफ से निकलते हुए हम कैंडल मोर्चा निकालेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो एक लेटर है इनको परमिशन दी गई है, मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं इसमें ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट में है ग्रांटिंग परमिशन फॉर कैंडल मार्च और इसमें लिखा है इट इज़ टू इन्फॉर्म यू डेट आई प्रिंस राज पासवान ब्रदर ऑफ अमरदीप पासवान आर रेजिडेंट ऑफ L1037 मंगोलपुरी वॉन्ट टू टेक कैंडल मार्च परमिशन इन लोकेलिटी इन द डिमाइस ऑफ माई ब्लड बिलव्ड ब्रदर अमरदीप पासवान आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू ग्रांट अस परमिशन फॉर कैंडल मार्च। और देख सकते हैं कि मोहर लग चुकी है यहाँ पे थाना द्वारा, देख सकते हैं 19 तारीख है और सब यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है। घायल सागर के पिताजी हैं। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ इस वक्त जो घायल सागर हो गए थे उनके पिताश्री हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाहते हैं। सागर कितने उनको गंभीर चोटें आई थी? जी, मेरे बेटे को बहुत ही बुरी तरह से गंभीर चोटें आई हैं और अभी भी वो अधमरी हालत में है, बिस्तर पे ही मतलब हर चीज़ उसको करनी पड़ रही है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। मेरा हाथ जोड़ के सबसे यही विनती है कि हमारे दोनों बच्चों को इंसाफ मिले, मेरे पुलिस प्रशासन और जो जितने बड़े शासन के जितने भी बड़े अफसरान हैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चों को हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और कितने हमले किए गए अगर मैं बात की जाए तो कितने घाव आपको उनके शरीर में देखने को मिले? जी, सागर के शरीर पे टोटल 5 घाव हैं जिसमें एक पूरा चक्कू आर पार है। अच्छा। और एक उसके प्राइवेट पार्ट के पास यहाँ मारा गया, उसकी कलाइयाँ काट दी गई हैं। अच्छा। वो बहुत मुश्किल से जान बचा के भागा है तो बच पाया, वरना डॉक्टर कहते हैं कि 2-3 मिनट अगर वो भी लेट हो जाता तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहता। आए दिन जो मैं बात किए जाए मंगोलपुरी में, पहली तो ऐसे केस आया नहीं होगा, आते रहते हैं केस, अगर पहले सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा अगर कोई स्टेप लिया जाता तो क्या बोलना? कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि पुलिस का डर तो हट ही गया है दिमाग से,
क्योंकि क्या वजह होगी कि ऐसा क्यों किया गया, वो कुछ अलग कुछ चीजें करते थे ऐसा? अब ये तो नहीं पता, लेकिन उनके जिस तरीके से उन्होंने छोटी सी बहस में जो चाकू बार करके डायरेक्ट मर्डर कर दिया है ना, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि उन्हें डर ही नहीं है कि पुलिस क्या कर लेगा। पुलिस का डर ही नहीं है उनको, डर होता तो देखो मारपीट हर जगह होती है, लेकिन डायरेक्ट मर्डर कर देना जो भी ऐसा अननोन पर्सन, तो इतना ज्यादा बड़ा कुछ लोगों ने बताया कि ये भी जानकारी है, लेकिन हम पूर्ण तरीके से इस पे हम विराम लगा सकते हैं कि जो हमलावर थे वो नशे के आदि थे, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बेशक नशे में हो सर, लेकिन एकदम से मर्डर कर देना इतना तो होश है उसको कि हम क्या कर रहे हैं, एकदम से ड्रग्स तो नहीं ले रखा होगा उसके औकात एड्रेस लेने की, अरे दारू वारू पी रखा होगा, इतना तो होश है कि अपनी माँ बहनों को नहीं पहचान रहा हो, खुद सोचो अपने परिवार को मार देना फिर नशे में अगर है तो। आपके यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है तो उनकी तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिल पा रहा है? जनप्रतिनिधि का सपोर्ट देखो ज्यादा ढंग से नहीं मिल पा रहा है, मैं जाता हूँ, मुझे समझाते हैं, समझा के फिर भेज देते हैं, जाओ SHO के पास मिलो। तो आज आपने कोई पॉलिटिकल इशू अभी तक नहीं बन पा रहा ना, हमने तो खुद बनाया नहीं क्योंकि हमारी एबिलिटी भी नहीं है, और ना पॉलिटिकल इशू में कोई भी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहा। तो आपने उन्होंने बताया कि हम लोग आज थाने का घेराव करेगा, आपने सब इतनी बात दिखाई थी, भारी संख्या में लोग आपके सपोर्ट में आए हैं, तो आपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बोला था आज हम थाने में जाएंगे? हमने बोला था जनप्रतिनिधि लोगों को भी बोला था, जितने जान पहचान थे उनको भी बोला था, इवन राखी बिड़ला के ऑफिस में हमने उनके भी से बात करी थी, बोला था कि हम पहुंचेंगे जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया, जो भी हमारे 10-15 लोग जानकार हैं वही आए हैं, बाकी कोई एक हमारे पासवान जी कार्यकर्ता हैं बस वही आए हमारे साथ, बाकी कोई नहीं आया हमारे साथ। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा समाज सेवी हैं पासवान, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं आप? जो एक मैं बोलूंगा एक बहुत संगीन जो मामला सामने है, मैं दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी साथी हमारी इस लाइव वीडियो से जुड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 तारीख को मंगोलपुरी में बहुत संगीन अपराध हुआ है जिसमें एक युवक की मृत्यु हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा जो युवक था बहुत होनहार था, उनका एक यूट्यूब चैनल भी था जिन पे वो ना केवल एक दो बल्कि 100-150 पर वो छात्र को पढ़ाते थे, उनके भी सपने थे कि वो IPS की तैयारी करते थे, परिवार वालों से हमने बातचीत करी तो उनका कहना था कि वो IPS बनना चाहते थे, और काफ़ी जो बच्चे थे उनसे पढ़ते थे उनके भी सपनों के उड़ान अमरदीप द्वारा ही हो रही थी, लेकिन अमरदीप हमारे बीच नहीं है तो सबके सपने टूट चुके हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? ये जितनी भी घटनाएं सुन के बहुत ही दुखद हैं, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के जो घटनाएँ घटती हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो लोग नशे के सेवन करते हैं और जो जगह जगह ये वाइन शॉप खुल रही हैं इसका मुख्य कारण हो सकता है। हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ये मंगोलपुरी में जितने भी वाइन शॉप खुले हुए हैं इन्हें बंद कराया जाए, इससे बहुत ज़्यादा ही क्राइम बढ़ रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी आपको लाइव देख रहे हैं और दिल्ली सरकार तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो दिल्ली के सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? कि आपने जो कॉलोनियों के अंदर वाइन शॉप खोली है इसे बंद कराएं प्लीज़, इससे क्राइम बढ़ रहा है, और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्राइम को ना बढ़ने दिया जाए और कॉलोनियों से वाइन शॉपों को हटाया जाए। और माता पिता से एक बार देखे मिले हमारे साथ यहाँ पे काफी लोग जो जुड़े हुए हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है, जो भारी संख्या में यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं अमरदीप की जो इतनी दुखद जो मृत्यु हुई है, क्या बोलना चाहते हैं जानेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मंगोलपुरी के अंदर पहले तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अभी तक पहुंचा है मेरे पास जितने भी दारू के ठेके खुले गए हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि हमारे स्कूल्स हुए हैं इतने पे लफंजर खड़े रहते हैं, जो भी गर्ल्स होती हैं बच्चों का स्कूल होते हैं वहाँ पे कोई पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि वहाँ पे चौकी होनी चाहिए और जो भी नशे में व्यक्ति घूमते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल कोई भी बच्चा स्कूटी चला रहा है लफंडर है उसको कोई रोकने वाला नहीं होता कि उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है, क्राइम तो यही सब है। तो बहुत सारी चीजें क्राइम के लिए जी, क्राइम तो बहुत सारे हैं लेकिन इस पे कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। अब आप यहाँ पे मंगोलपुर में रहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने समय से मंगोलपुर में रहते हैं? सर मैं मंगोलपुर में, मेरा नाम संजय पासवान है और मैं 17 साल से NGO चलाता हूँ, और मेरा काम है गरीब बच्चों की मदद करना और M ब्लॉक में फ्री कंप्यूटर एजुकेशन हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। जैसा आपने अभी बात की कि पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि एरिया में कितनी गश्त लगती है पुलिस द्वारा? ये गश्त का तो हम लोग खड़े तो रहते नहीं कि कितनी गश्त लग रही है, फिर भी कभी कभी तो आप देखते होंगे। नहीं गश्त तो बराबर लगनी चाहिए जी, जैसे VIP एरियो में बराबर गश्त होती है या कॉलोनियों में भी गश्त होनी चाहिए, अगर गश्त लगती तो शायद मर्डर बच सकता था, बच्चे के ऊपर हेल्प हो सकती थी। तो इसमें चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन भी थोड़ा अपना रुतबा बढ़ाए और सपोर्ट करे
क्योंकि जिसके ऊपर दर्द बीता उसी को पता तो चलता है कि शाम को डेली राउंड तो लगने ही चाहिए। जिस समय अंधेरा हो जाता है उस समय हमेशा नशे में लोग दारू पी के और घूमते रहते हैं, इसलिए क्या नाम की गश्त तो एल ब्लॉक के ब्लॉक एक्स ब्लॉक इस सारे एरिया में क्या नाम की गश्त लगने चाहिए पुलिस द्वारा कि किसी प्रकार का कोई भी नशे में व्यक्ति घूमता हो तो उसे अंदर किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा भी हैं, इससे जानने की कोशिश करते हैं जो एक मामला ये जो सामने आया, तो इस बारे में आप यहाँ पे खड़े हैं, इनके सपोर्ट में आए हैं, क्या बोलना चाहते हो, आपको लाइव देख रहे हैं? क्या बोलूँ भाई साहब, मैं तो अभी आया, मुझे भाई मैं दूसरे ब्लॉक से मैं आया हूँ। आपको पता है यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? नहीं, ये राहगीर है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो सपोर्ट में उसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाहें, जो इतना संगीन मामला सामने आया आपके मंगोलपुरी से, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूँगा जो हमारे लोग जो जिनको मारा है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी ये सब गलत काम हो रहा है इन सबको रोका जाए। अगर जैसे 3 दिन का वक्त दिया गया है परिवार वालों को कि 3 दिन बाद आप कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, तो कैंडल मार्च निकालते हैं उसके बाद आपका क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं? अब अगर फैसला नहीं आया, अगर आप लोगों को संतुष्ट नहीं किया गया पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा फैसले से, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम तो केवल सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे लीडर हैं उनके साथ सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, पूरी सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे भाई साहब इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो अभी आया हूँ। बोलिए सर। हम बिहार शरीफ से आए थे, मेरा भतीजा है। हम बिहार शरीफ से आए, मेरा भतीजा है, यहाँ पढ़ाई करता था। मेरे बड़े भाई मजदूरी क्लास का आदमी है, मजदूर क्लास से हम लोग प्रवस्थी कर रहे थे। आप दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से एक गुहार लगाते हैं कि हमारा परिवार का इंसाफ मिले, बच्चा के मेरा इंसाफ मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम आए थे मंगोलपुरी डीब्लो थाने के ठीक सामने, और जो 14 तारीख को यह मामला सामने आया, बेहद संगीन मामला, जिसमें 2 युवकों पर मामूली सी कहासुनी पर जो है चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिससे बेहद दुखद एक मामला सामने आया। अमरदीप नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, और दूसरा व्यक्ति सागर जिसको गंभीर हालत में अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसके बाद से जो परिवार वाले हैं वो सिर्फ इंतजार ही कर पा रहे हैं कि कब दोषियों को सजा दी जाएगी। तो अभी परिवार के लोग थाने में गए थे और उन्होंने देखा वहाँ का क्या समा बना हुआ था, तो इन लोगों को सिर्फ अभी इंतजार ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे और परिवार से जो चाचा हैं जो अमरदीप जी के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं, जैसे संविधान के अंदर जो कानून है, इस कानून के अंदर जो है इंसाफ हमारे भतीजे को मिलना चाहिए। हम आह्वान करना चाहते हैं केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि बिल्कुल इंसाफ मिले, और माननीय मोदी जी से भी हम यही चाहते हैं, मुझे इंसाफ मेरे भतीजे को मिले, और कुछ नहीं चाहते, इंसाफ हम चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो परिवार के लोग बिल्कुल भावुक हो रहे हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बात ये पहला मामला नहीं है जो मंगोलपुरी से आए, आए दिन यहाँ से मामले आते ही रहते हैं। अगर पहले शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती तो आज जो ये दृश्य देखने को मिला नहीं मिलता। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि अगर ये वीडियो सरकार तक पहुँचती है तो जो परिवार है उसको इंसाफ ज़रूर मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए डबल ए न्यूज़।